गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम सब्सक्रिप्ट टीचर सब्सक्रिप्टली फ्रॉम जीएम पब्लिक स्कूल चेता एंड क्लास 7 स्टार्टेड एंड टुडे सब्जेक्ट चैप्टर 2 एंड लास्ट क्लास चैप्टर 1 कंप्लीटेड एंड क्लास 7 यस। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 2 क्लास 7 के लिए दिया गया सब्जेक्ट सब्जेक्ट है आपका डेट है आज देख सकते हैं आप अपने बोर्ड में। आपका जो चैप्टर का नाम है मतलब क्या है अस्माकम जनम वृक्ष आउट लाइफ पेज ठीक है। और स्टार्ट करने में जा रहे हैं नया चैप्टर दिया गया है पृथ्वीमा अनेकानी रत्नानी संति मतलब बोला जा रहा है पृथ्वी में अनेक रत्न है पृथ्वी में हमारे जो है रत्न है बहुत सारे अनेक रत्न पृथ्वी में है। तेसु वृक्ष श्रेष्ठम अस्ति क्या बोल रहा है उनमें वृक्ष श्रेष्ठम उसमें अनेक रत्न में सबसे श्रेष्ठ को माना गया वृक्ष पेड़ को सबसे श्रेष्ठ माना गया। अगर पेड़ नहीं होता तो क्या हम लोग आज जो ले रहे ऑक्सीजन ले पाते कभी नहीं ले पाते जीवन हम लोग वापस नहीं हो पाता। तो सबको श्रेष्ठ जीवन के लिए क्या माना गया पेड़ को माना गया। अगला क्या है आपका वृक्ष सर्वे भय जीवनम ददाति बोला जा रहा है वृक्ष हमारे जीवन के आधार है ये जीव का बहुत कल्याण करते हैं। क्या है जीवन पेड़ हमारे जीवन का आधार है हमारे जीवन का क्या करते हैं जीवों को बहुत कल्याण करते हैं। वृक्ष बिना जीवनम असंभव बोला जाए वृक्ष के बिना मेरा जीवन है असंभव है। हमारा वृक्ष के बिना जीवन हो सकता है कभी नहीं हो सकता है। हमारा जीवन क्या है वृक्ष के बिना एकदम असंभव है। वृक्ष पर्यावरण से संशोधने संतुलन च परम सहायक संति बोला जा रहा है वृक्ष पर्यावरण के संशोधन में और संतुलन में बहुत ही सहायता है। पर्यावरण के संशोधन और संतुलन में बहुत ही बड़ा इसका क्या है योगदान बना हुआ है। वृक्षा जीवने शुद्ध वायु भोजन औषधम छात्रायम यास्त्र नचयति बोला जा रहा है हमारा जो वृक्ष है वृक्ष जीव को शुद्ध वायु तो जीवों को क्या करता है वृक्ष शुद्ध आयु देता है जिसके कारण हम लोग जी पाते हैं रह पाते हैं ठीक है। शुद्ध आयु का भोजन औषधि छाया मतलब हमको भी क्या करना है भोजन औषधि छाया और आश्रय आश्रय भी देने का काम करते हैं ठीक है। भोजन को देते हैं एते नाना वने पुष्पे लोकाना मना रजयन्ति स्वास्थ्य वर्धन कांति प्लानी यच्छन्ति आश्वकंते वसुंतते कांठ यत्यन्ति आप रहन्ते सेभयच्च अच्छयन्ति बोला जा रहा है ना प्रकार के फूलों से लोग के मन में आनंदी करते हैं नाना प्रकार अनेक प्रकार के क्या है फूल है उससे क्या है मन को आनंदित खुशी एकदम विलय खुशी की तरह एकदम कर देता है। स्वास्थ्य वर्धक फल मतलब स्वास्थ्य के लिए जो हमको फल खाना चाहिए वो स्वास्थ्य वर्धक फल हमको क्या होगा मिलता है। आवश्यक वस्तु के लिए लकड़ी देते हैं आवश्यक वस्तु क्या है बहुत सारे पेड़ क्या करते हैं हमको लकड़ी भी प्रदान करते हैं। गर्मी रहते हैं और शीतलता देते हैं गर्मी हरते हैं और क्या करते हैं शीतलता को देते हैं गर्मी हर के हमको शीतल का देते हैं ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है संस्कृत भाषाएं वृक्षत से अनेक पर्यारा संति अलग संस्कृत भाषा में जो है वृक्ष के अनेक समानार्थक नाम है। संस्कृत भाषा में वृक्ष का अनेक समानार्थक अलग अलग नाम से वृक्ष को जाना जाता है यथा तरु पादप द्रुम वृक्ष साखीन इत्यादि बोला जा रहा है इसको जैसे तरु पादप द्रुम वृक्ष साखीन इत्यादि और इत्यादि नाम से भी जाना जाता है। वृक्ष से मुख्यतः दो
द्रो प्रकार अस्तर, मतलब बोला वृक्ष के मुख दो प्रकार है, वृक्ष जो है मुख दो प्रकार के होते हैं, के चिता फल नवन वृक्ष केदनी च केवत पुष्पीसा एव छाया प्रदा भवती, कुछ फलदार वृक्ष और कुछ केवल फूल तथा छाया देने वाले होते हैं। देखिए यहाँ बोला जा रहा कुछ जो वृक्ष है फलदार जो फल देते हैं, मतलब कुछ जो है आपका वृक्ष छायादार है और पुष्प जो फूल देने वाला वृक्ष है, ठीक है। यदा अमरा वृक्ष जमुना वृक्ष आमली का वृक्ष नाहर वृक्ष वातादा वृक्ष एक फल प्रदाद संति, बोला जा रहा आम का वृक्ष जामुन का वृक्ष इमली का वृक्ष खजूर का वृक्ष नारियल का वृक्ष महुआ का वृक्ष नारियल का वृक्ष और बादाम के वृक्ष जो है ऐसे फल देने वाले ये सब वृक्ष है, ये सब क्या करता है ये सब वृक्ष फल देता है, फल इससे हमको प्राप्त होता है मानव, ठीक है। और उसके बाद बोला जाता है ऐसे भी वृक्ष है वृक्षा छाया न अपि अति एतु केचिन वृक्षा शीतालकार भवती केचित च लघवाकार, बोला जा रहा है इन वृक्षों यह वृक्ष छाया भी देते हैं, कुछ वृक्ष इसमें से छाया भी हमको प्रदान करता है, इन वृक्षों में कुछ वृक्ष बड़े आकार वाले होते हैं, इस वृक्षों में से कुछ वृक्ष जो होते हैं बड़े आकार का होते हैं, ठीक है, और कुछ छोटे आकार का होते हैं, कुछ छोटे आकार का भी वृक्ष होते हैं, जैसे हम देखते हैं वृक्ष आम का वृक्ष कुछ बड़े आकार का होता है, नारियल का वृक्ष उसका हाइट कुछ लंबे आकार का होता है, ठीक है, इस वृक्षों में होता है ना, आम का वृक्ष दिया गया है और कुछ वृक्ष छोटे आकार का भी होता है, तो दिया है केचिना केवदा छाया प्रदा वृक्षा संति यदा पिपला वृक्ष वटा वृक्ष सालमय वृक्ष शिशु वृक्ष देवदार वृक्ष पलास वृक्षाशय, बोला जा रहा है कुछ वृक्ष केवल छाया देने वाले वृक्ष होते हैं, जैसे पीपल के वृक्ष, पीपल के वृक्ष सब तो फल तो कुछ प्राप्त नहीं होता, मगर हमको छाया गर्मी का दिन में सबसे अच्छा छाया देने वाले वृक्ष माना जाता है, ठीक है। बरगद का वृक्ष, बरगद का वृक्ष भी हमको क्या मिलता है फल, फल उससे नहीं मिलता है, मगर गर्मी का दिन में सबसे ज्यादा छाया इसे बरगद में हमको मिलता है, बरगद का वृक्ष से। शमी के वृक्ष शीशम के वृक्ष देवदार के वृक्ष और पलाश के वृक्ष, ये सब वृक्ष क्या है छाया, इसमें फल हमको नहीं प्राप्त होता है, मगर छाया इसमें हमको प्राप्त होता है। अगला है वृक्ष अन्यतम अश्वत वृक्ष विवानक ओषजन तयजति, बोला वृक्षों में श्रेष्ठम पीपल का वृक्ष दिन रात ऑक्सीजन छोड़ता है। देखिए वृक्ष तो अनेक प्रकार के, मगर इसमें से क्या इसको माना गया पीपल का वृक्ष, जो पीपल का वृक्ष है क्या बोल रहा है दिन रात ग्रह 24 आवर्स जिसको हम बोलते हैं वो क्या करता है उसमें ऑक्सीजन वो छोड़ता है। तब ओषधय वृक्ष परिवर्तन, बोला जा रहा है इसकी छाल औषधि के रूप में प्रयोग की जाते हैं, जो इसका पीपल का वृक्ष, पीपल का वृक्ष का जो छाल को हम निकालते हैं छाल को औषधि दवा के रूप में हम कार्य में भी उसको ला सकते हैं। खगा वृक्ष हेतु निडानी रचनती फलास्वाद च कुर्वन्ती, वृक्ष पर पक्षी घोंसले बनाते हैं और फलों का आस्वादन करते हैं। देखिए क्या होता है जब वृक्ष होता है पीपल का जो वृक्ष होता है इसमें क्या है जो चिड़िया है क्या घोंसले बनाते हैं उसके फल का भी स्वाद लेते हैं, स्वाद चखते हैं। मधुमक्खी का पुष्प रस पीबनी पश्चात च मधु अच्छंती, क्या बोला मधुमक्खियाँ जो फूलों का रस पीती है और बाद में मधु देती है, मधुमक्खियाँ जो क्या करती है फूलों का रस पीती है और बाद में क्या करती है मधु देती है। वृक्षा जीवनदायक का होती, मतलब किस प्रकार वृक्ष जीवनदायक होते हैं।
इस प्रकार जीवनदायक होते हैं। और इसके बाद आपका है वर्ड मीनिंग शब्दार्थ, ठीक है। तो शब्दार्थ पर क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन आपका है वो हम नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।